हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग अफेयर। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम आपको एक शाही मीठा बना के दिखा रहे हैं। जी हाँ, शाही आप इसे कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी रिच है, काफ़ी घी है इसमें, ड्राई फ्रूट्स हैं। तो आज हम बना रहे हैं किमामी सेवियाँ। ये किमामी सेवियाँ बनारस में काफ़ी मशहूर हैं, बनारस की मशहूर सेवियाँ हैं। और आप इसे किमामी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चाशनी की होती है। किमामी का जो मीनिंग होता है उर्दू में, उसे चाशनी बोलते हैं। तो ये एक तरह से चाशनी से बनी हुई सेवियाँ हैं, काफ़ी रिच हैं और खाने में बहुत टेस्टी हैं और बनाना काफ़ी ईजी है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सबसे पहले ये भुनी हुई सेवियाँ हैं, ये हल्की ड्राई रोस्ट सेवियाँ हैं, ये लगभग 150 ग्राम हैं। ये है फुल क्रीम दूध और इसमें मैंने मलाई भी डाली हुई है, लगभग 2 टेबल स्पून मलाई भी है इस दूध में। ये हैं ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैंने ये देखिए काजू, बादाम, किशमिश और ये जो मींगी होती है खरबूजे की, या आप अपने पसंद के नट्स भी यूज़ कर सकते हैं, पिस्ता यूज़ कर सकते हैं, चिरौंजी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लगभग 2 से 2.5 बड़े चम्मच मैंने ड्राई नट्स लिए हुए हैं। ये चीनी है, जितनी सेवियाँ आप यूज़ कर रहे हैं सेम क्वान्टिटी में चीनी लगेगी, यानी 150 ग्राम सेवियाँ हैं तो 150 ग्राम चीनी लगेगी। और जितनी सेवियाँ हैं उसका आधा घी, यानी कि लगभग 60 से 70 ग्राम घी जाएगा। और ये है थोड़ा फ्लेवर देने के लिए, मैंने इलायची पाउडर लिया हुआ है। इलायची पाउडर को बनाने के लिए आप मिक्सी में इलायची के साथ इलायची के छिलके हटा दीजिए और उसके बीज को जो होते आप शुगर के साथ डाल के ग्राइंड कर लीजिए, तो इस तरह से ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। अदरवाइज इलायची के दानों को पीसना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके लिए एक टिप हो गया कि इलायची के दानों को पीसने के लिए आप शुगर के साथ उसे मिलाकर पीस लें। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम घी लेंगे और एक गरम पैन में हम ये घी डालेंगे। ये हल्का सा गरम, मैंने कढ़ाई पहले से गरम कर रखी थी, तो मंदी आंच पे हम ये जो अपने ड्राई नट्स हैं वे इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इससे इसका कलर भी अच्छा आ जाता है और जो इसका फ्लेवर है वो भी थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है। तो हम इसे देखिए, बस ये कलर चेंज होने लगा, बिल्कुल मैंने जो गैस है वो बिल्कुल सिम कर रखी है। और ये देखिए, ये हो गए तैयार। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा पिंक कलर देना है। और जैसे ही ये स्प्लिट होने लगेंगे, जो हमने ये नट्स डाले हैं, ये हल्के से इसमें से क्रैकल होने की आवाज़ आएगी, तो उससे पहले ही आपको इसे निकाल लेना है। ये देखिए, ये तैयार है, तो मैं इसे अब निकाल लूँगी। ये देखिए, नट्स हमारे बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, किशमिश फूल चुकी हैं। तो अब वापस से इस घी में जो बचा हुआ घी है बिल्कुल धीमी आँच रखिए और जो हमारी ये सेवियाँ हैं इसे हल्का सा क्रश करके डालिए। क्रश करके डालने से इसे जो फ्राई करना है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है हैंडल करना। तो इस तरह से मैं हल्का सा हाथों से इसे क्रश कर देती हूँ और इसे अब हम फ्राई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये रोस्टेड सेवियाँ हैं, तो फिर भी मैं इसे हल्का सा घी में फ्राई करती हूँ क्योंकि जब हम इसे पकाते हैं तो इसका कलर उतना अच्छा नहीं आता जितना हम मुझे चाहिए। तो मैं इसीलिए इसे दोबारा से फ्राई करती हूँ और जब इसका कलर, ये देखिए कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हुआ है और जैसे जैसे ये हल्का सा गोल्डन होना शुरू होगा, जो कलर मुझे चाहिए उस जब तब तक मैं इसे फ्राई करूँगी। और अगर आप कच्ची सेवियाँ ले रहे हैं तो आप घी में उसको अच्छे से फिर फ्राई करिए ताकि कलर उसका गोल्डन हो जाए। ये देखिए, इसका कलर काफ़ी गोल्डन हो चुका है और यही कलर है जो मुझे चाहिए। तो अब इस स्टेज पे हम गैस बिल्कुल सिम कर देंगे, बिल्कुल धीमी कर देंगे और ये जो हमारा दूध है ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें। Thank you.
हल्के थे, सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें लगभग जितना हमने दूध दिया था उसका आधा पानी यूज कर रहे हैं। हमें इसे सिर्फ सॉफ्ट करना है और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, बस 2 मिनट लगे हैं इसे पकाने में। मुझे सारा दूध एब्जॉर्ब हो गया है, पानी एब्जॉर्ब हो गया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब इस स्टेज पे हम ये चीनी इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच बिल्कुल स्लो रखनी है फ्रेंड्स इस टाइम पर, और बिल्कुल तेज़ नहीं करनी है। ये चाशनी अपने आप बनेगी और जो चीनी है वो पानी छोड़ेगा और उससे ही चाशनी क्रिएट होगी। तो इसलिए इसे बिल्कुल धीमी आंच रखिएगा और इस तरह से करने के बाद इस पे हमें ढक्कन लगा देंगे 20 सेकेंड के लिए, और फिर इसे खोल के फिर थोड़ा सा हिलाएंगे और उसके बाद फिर से इसे ढकेंगे। इसे चेक करते हैं, देखिए सॉफ्ट हो गई है, चीनी पिघलनी शुरू हो गई है। बीच बीच में इसे चलाना ज़रूरी है, अदरवाइज ये नीचे लग जाती है क्योंकि हम पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह से बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और इसे तब तक चलाना है जब तक ये घी ना छोड़ दे, तब तक पकाएंगे हम। देखिए मैंने बीच बीच में इसे 2-3 बार खोल खोल के चलाया था ताकि ये नीचे ना लगे, और ये देखिए पूरी तरह से तैयार है और कितना अच्छा कलर आया है। और ये देखिए साइड से घी छोड़ना इसने शुरू कर दिया है, तो अब ये लगभग बनके तैयार है। तो आइए हम इसे सर्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसे बीच बीच में खोल के 2-3 बार चलाया था, अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो आइए अब हम इसमें अपने नट्स ऐड करते हैं। गैस को बंद कर दें और जो ये इलायची पाउडर है ये हम इसमें मिलाएंगे और ये पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, बिल्कुल खिली हुई सेवियां बनी है हमारी। और इसमें मैंने घी का आपने देखा काफ़ी कम यूज़ किया है। ट्रेडिशनली जो ये सेवियां बनती हैं इसे डीप फ्राई करके बनाते हैं वो, तो मैंने तो बहुत शैलो फ्राई करने के लिए हल्का सा ही घी लिया था। वो लोग डीप फ्राई करके बनाते हैं और इसके अलावा वो लोग मावे का भी यूज़ करते हैं, तो मैंने मावे की जगह आपको यहाँ पे मलाई रिप्लेस करके दिखाई है। तो इजीली आप घर में कभी भी जब मन करे बना सकते हैं। तो आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए दोस्तों इमामी सेवैयाँ बनके बिल्कुल तैयार है गर्मा गर्म। इसे मैंने ड्राई फ्रूट से इसे मैंने डेकोरेट कर दिया है। तो आप भी अपने आने वाले मेहमानों को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को बना के खिलाइए और तारीफ़ें पाइए। तो बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आप एक बार ट्राई करिए, बनाने के बाद अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो ऑल्सो। नई नई वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। और दोस्तों अगर आप स्टिचिंग में किसी भी तरह का इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है श्रद्धाज फैशन हब, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं और बिगिनर हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी सिलाई से रिलेटेड, आपको काफ़ी अच्छे वीडियोज़ उसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल आप किमामी सेवैयों का आनंद लीजिए और बहुत जल्द मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।